छत्तीसगढ़ में रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव जिले के एक दो जगहों पर आज हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं बस्तर संभाग के सभी जिलों में भी बारिश हो सकती है। इसी के साथ बिलासपुर में अंधड़ चलने की वजह से प्रदर्शनकारियों के ऊपर बाउंड्री वॉल गिर गया, जिससे 5 आंदोलनकारी घायल हो गए। ये सभी कोल वॉशरी के विरोध में धरने पर बैठे थे। अगले 48 घंटे में प्रदेश भर में मानसूनी एक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रदेश में गुरुवार को कोरबा सबसे गर्म रहेगा। यहाँ दिन का तापमान 43.6 डिग्री रहा। सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान नारायणपुर में 22.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद दिन के तापमान में गिरावट होगी। वहीं अगले 2 दिनों तक सरगुजा संभाग के जिलों में सभी हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुंगेली में 17 मिलीलीटर, बिलासपुर में 13, महासमुंद में 4.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा बिलासपुर, कबीरधाम, रायपुर जिले के एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में 16 जून से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। देखा जाए तो मानसून 8 जून को सुकमा पहुंचा था, तब से वो 4 दिन अटका रहा। इस दौरान मानसूनी गतिविधियां कमजोर रही, फिर भी पड़ोसी राज्यों के आसपास बने सिस्टम के कारण जून में अब तक अच्छी बारिश हो गई है। राज्य के 9 जिलों में औसत से ज्यादा और 3 जिलों में सामान्य बारिश हो चुकी है। हालांकि शेष 21 जिलों समेत प्रदेश में औसत से कम बारिश हुई है। कम बारिश की भरपाई अगले 10 दिनों में होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही आशंका यह भी जताई जा रही है कि 17 जून के बाद बिलासपुर में झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस वीडियो में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर विभाग के साथ।